What's up everyone, this is Deepaksinh Gohil and welcome to Being the Fittest. जब बात flexibility की आती है तो ज्यादातर लोगों के लिए ये लड़कियों की एक्सरसाइज होती है, जो कि बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि बिना मसल स्ट्रेच हुए कोई भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। हम स्ट्रेंथ के लिए तो एक्सरसाइज करते हैं लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी के लिए नहीं। ज्यादातर लोग सिर्फ स्ट्रेंथ एंड कार्डियो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज पर ध्यान देते हैं। प्रॉब्लम तब पता चलता है जब उम्र हो जाती है, इंजरी होती है या फिर जॉइंट स्टीफ होके पेन शुरू हो जाता है। जिस तरह मसल्स में ताकत होना जरूरी है, स्ट्रेंथ होना जरूरी है, उसी तरह उसका मुड़ना, उसका स्ट्रेच होना भी उतना ही जरूरी है। और जब बात परफॉर्मेंस और पावर की आती है तो फ्लेक्सिबिलिटी और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग शुरू करने के लिए इस वीडियो में दिए गए 5 नियम को फॉलो करें जो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगी और बॉडी को इंजरी फ्री रखेगी। नियम नंबर 1, फोकस ऑन स्ट्रेचिंग नॉट टचिंग। ध्यान मसल को स्ट्रेच करने पर रखें, ना ही पैर के पंजे, सिर या बॉडी के किसी भी पार्ट को टच करने पे, क्योंकि ऐसा करने से आप एक्सरसाइज गलत तरीके से करोगे और फ्लेक्सिबिलिटी में जल्दी इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा। नियम नंबर 2, आपकी जितनी क्षमता है उसका सिर्फ 50-70% ही ताकत का उपयोग करें। इतना ज्यादा स्ट्रेच ना करें कि आप पोजीशन को 4-5 सेकंड में ही छोड़ दें, क्योंकि लंबे स्ट्रेच करने से ही आपकी फ्लेक्सिबिलिटी में इंप्रूवमेंट आएगा। नियम नंबर 3, हर स्ट्रेच को 15-30 सेकंड तक होल्ड करें। मसल्स धीरे धीरे खुलते हैं और खुद को ढीला छोड़ते हैं, इसलिए लंबे स्ट्रेच करने से फ्लेक्सिबिलिटी में जल्दी इंप्रूवमेंट दिखेगा। नियम नंबर 4, स्ट्रेचिंग करने से पहले 5-10 मिनट अच्छे से वार्म अप कर ले। जिस तरह रबर को गर्म करने से वो अपने एक्सट्रीम लेवल तक खींचेगा, उसी प्रकार अगर आपने बॉडी का अच्छे से वार्म अप किया है तो वो अपने मसल्स को अच्छे से लेंथन करेगा, स्ट्रेच करेगा। नियम नंबर 5, बी कंसिस्टेंट। जिस तरह एक दिन जिम जाने से बॉडी नहीं बनती, उसी प्रकार कभी कभार फ्लेक्सिबिलिटी की ट्रेनिंग कर लेने से आपका बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं बनेगा। आपको हफ्ते में 2-3 बार मिनिमम फुल बॉडी स्ट्रेचिंग करना है। खास ध्यान रखिए, इस वीडियो को योगासन के वीडियो की तरह मत देखिए, क्योंकि योग करने का तरीका बिल्कुल ही अलग है और वो आप योग शिविर में ही सीख सकते हो। इस वीडियो को केवल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं फुल बॉडी स्ट्रेचिंग रूटीन। किसी भी आरामदायक स्थिति में पीठ को सीधी रख के बैठ जाए। सबसे पहले करेंगे हेड की मूवमेंट। चीन को छाती से दबाते हुए नेक के पीछे के मसल्स को स्ट्रेच करें। अब ऊपर उठाते हुए आगे के मसल्स को स्ट्रेच करें। लेफ्ट साइड झुकाते हुए राइट साइड के मसल को स्ट्रेच करें। राइट साइड झुकाते हुए लेफ्ट साइड के मसल्स को स्ट्रेच करें। आप चाहो तो हाथ से हल्का सा प्रेशर भी दे सकते हो। गर्दन को लेफ्ट साइड घुमाकर स्ट्रेच करें और राइट साइड घुमाकर स्ट्रेच करें। आप चाहो तो हाथ से हल्का सा प्रेशर भी दे सकते हो।
राइट साइड एंड लेफ्ट साइड रोटेशन करें। गर्दन को राइट साइड से गोल घुमाएं। और फिर लेफ्ट साइड से गोल घुमाएं। ज्यादा जोर लगाने की कोशिश ना करें, हल्के से घुमाते हुए चारों तरफ घुमाएं। अब रिस्ट को एक्सरसाइज देंगे। हाथ को कोनी में से सीधा रखते हुए राइट हैंड को शोल्डर लेवल तक उठाओ और हथेली को नीचे की ओर प्रेस करते हुए रिस्ट के ऊपर के मसल्स को स्ट्रेच करें। अब हाथ को उल्टा करके रिस्ट को नीचे की ओर प्रेस करके स्ट्रेच करें। यही दो स्ट्रेच लेफ्ट हैंड से करें। तीसरी एक्सरसाइज करेंगे साइड बेंडिंग। राइट हैंड को कोनी में से सीधा रखते हुए ऊपर उठाएं और कान से टच करें। लेफ्ट हैंड को जमीन पे रख के सपोर्ट लेते हुए लेफ्ट साइड झुके और होल्ड करें। अब लेफ्ट हैंड को कोनी में सीधा रखते हुए उठाओ और कान से टच करो। राइट हैंड को जमीन पर रख के सपोर्ट ले लो और राइट साइड झुकते हुए लेफ्ट साइड के मसल्स को स्ट्रेच करें और होल्ड करें। खास ध्यान रखें, जोर बिल्कुल लगाना नहीं है। दोनों हिप्स बिल्कुल भी जमीन से उठने नहीं चाहिए, बिल्कुल जमीन से लगे हुए होने चाहिए। सिर्फ तभी ऑब्लिक मसल्स अच्छे से स्ट्रेच हो पाएंगे। अब करेंगे चाइल्ड पोज। दोनों लेग सामने की तरफ सीधे और पीठ सीधी रखते हुए बैठ जाए। पहले दाया और फिर बाया पाव घुटने में से मोड़ते हुए हिप्स के नीचे रखें। दोनों हाथ को कोहनी में से सीधा रखते हुए सामने की ओर ऊपर उठाएं। हाथ को हो सके उतना शोल्डर जॉइंट में से ऊपर खींचो। बैक को सीधी रखते हुए आगे की ओर झुकते जाओ। हाथ को जमीन पे रखें और होल्ड करें। ऊपर उठते वक्त सबसे पहले हाथ उठाओ और फिर बैक को सीधी रखते हुए ऊपर उठे और मूल स्थिति में आ जाए। नेक्स्ट अपवर्ड टू डाउनवर्ड डॉग पोज। पेट के बल उल्टे सो जाओ। पेट को अंदर खींचो और पेट और नेक के मसल्स को स्ट्रेच करते हुए हाथ का सपोर्ट लेकर ऊपर उठे और 15 सेकंड होल्ड करें। धीरे से नीचे आते हुए मूल स्थिति में आ जाए। अब दोनों पैर के पंजों को सीधा करो। हाथ और पैर पे
बॉडी का वेट लेते हुए हिप्स को सीलिंग की तरफ उठाओ। काफ और हैमस्ट्रिंग मसल्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा हो तो थोड़े से पैर आगे की तरफ ले लो। दोनों हाथ और दोनों पैर के तलवे को जमीन से दबाते हुए हिप्स को सीलिंग की तरफ पॉइंट करना है। बॉडी का पीछे का पूरा भाग स्ट्रेच होगा। 15 सेकंड होल्ड करें। नंबर 6, अंजनेयासन। एक पाव को उठाकर दो हाथ के बीच में रख दो और पीछे के पाव को सीधा रख, हाथ के सपोर्ट से बैलेंस बनाए। बैलेंस आपका अच्छा है तो हाथ घुटनों पर या फिर ऊपर उठाकर ज्यादा स्ट्रेच कर सकते हो। पेट को अंदर खींच के रखें ताकि बैक में पेन ना हो। यही स्ट्रेच दूसरे लेग से करें। अब नंबर 7, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। यही स्थिति में आगे के घुटने को सीधा करें, पंजा बिल्कुल सीधा रखें और बैक को सीधी रखते हुए आगे की तरफ हल्का सा झुके। काफ और हैमस्ट्रिंग मसल्स को अच्छा सा स्ट्रेच मिलेगा। 15 सेकंड के लिए होल्ड करें। यही स्ट्रेच दूसरे लेग से करें। नंबर 8, भद्रासन। एक पैर को घुटने में से बेंड करें, फिर दूसरे पैर को। दोनों पैर के तलवे को एक दूसरे से टच कर दें। दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करें और पैर के पंजे के पास फंसा दें। बैक सीधी रखें और धीरे धीरे आगे की तरफ जितना कंफर्टेबल हो उतना बेंड होते जाए। जिस स्थिति को 15 सेकंड होल्ड कर सकते हो वहां रुके और होल्ड करें। धीरे धीरे मूल स्थिति में आ जाए।
नंबर 9, जानु सिरासन। राइट लेग सीधा करें, लेफ्ट को नी में से बेंड करके राइट लेग की इनर थाई के पास रखते, पीठ को सीधी रखते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर उठाएं। अब हाथ और पीठ को जितना आगे बेंड कर सकते हो उतना करें और 15 सेकंड होल्ड करें। अगर हाथ आगे की ओर नहीं पहुंच रहे हैं तो आप चाहो तो स्ट्रेच देने के लिए नैपकिन या स्ट्रैप का भी यूज कर सकते हो। धीरे से मूल स्थिति में आ जाए और दूसरे पैर से यही स्ट्रेच करें। नंबर 10, वज्रासन। दोनों लेग सामने की तरफ सीधे रखें और पीठ सीधी करते हुए बैठ जाए। एक के बाद एक दोनों पैर घुटने में से मोड़ते हुए हिप्स के नीचे रखें। दोनों पैर के अंगूठे को एक दूसरे से टच करें। यह स्थिति में 15 सेकंड बैठे। एंकल जॉइंट के मीडियल साइड के मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए दोनों लेग्स को थोड़ा सा बाहर निकालें और वहां थोड़ी देर बैठें। ज्यादा लग रहा हो तो हाथ का सपोर्ट भी ले सकते हो। नंबर 11, हिप इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेटर स्ट्रेच। दोनों लेग क्रॉस करके बैठ जाओ, राइट लेग को लेफ्ट लेग की थाई के पास रखो। दोनों हाथ को लेफ्ट नी पर रखो, बैक को सीधी रखते हुए लेफ्ट नी की डायरेक्शन में आगे की तरफ झुके। ध्यान रहे, हिप जमीन से बिल्कुल उठना नहीं चाहिए और बैक सीधी रखनी है। Thank you.
अब राइट लेग को नी में से बैंड करें और पंजे को बाहर की तरफ निकाल के रखें। बैक सीधी और दोनों हाथ का सपोर्ट लेते हुए राइट साइड हल्का सा झुके। 15 सेकंड यह स्थिति को होल्ड करें। लेफ्ट साइड से यह स्ट्रेच करें। पवन मुक्तासन, दोनों लेग सीधा रखते हुए जमीन पर सो जाओ। दोनों लेग के पंजे जमीन की तरफ खींच के रखें। लेफ्ट लेग नीमे से बैंड करते हुए दोनों हाथ से घुटने को पकड़ लें और चेस्ट की तरफ लेके आओ। ध्यान रखें, राइट लेग बिल्कुल जमीन से लगा हुआ और पंजे जमीन की तरफ खींच के रखना है। 15 सेकंड इस स्थिति को होल्ड करें और हिप के मसल्स में स्ट्रेच को फील करें। अगर आप नेक को उठा सकते हो तो उठाकर नी से टच करें और 15 सेकंड होल्ड करें। यही स्ट्रेच राइट लेग से दोहराए। नंबर 13, फिगर 4 स्ट्रेच। राइट लेग को नी में से बैंड करें, लेफ्ट लेग के एंकल को राइट नी के ऊपर रख दें, राइट थाई को पीछे के भाग से दोनों हाथ से पकड़ लें, हल्का सा अपनी तरफ खींचे और 15 सेकंड के लिए होल्ड करें। खास ध्यान रखें, दोनों हिप्स बिल्कुल जमीन पे रहने चाहिए, स्ट्रेच तभी फील होगा। अब यही स्ट्रेच दूसरे पैर से करें। नंबर 14, सुपाइन स्पाइनल ट्विस्ट। दोनों हाथ एक साथ रखते हुए एक तरफ होकर लेट जाए। ऊपर वाले पैर को घुटने में से 90 डिग्री बेंड कर लो। ऊपर वाले हाथ को कोहनी में से बिल्कुल सीधा रखते हुए बॉडी के दूसरे भाग में जितना ला सकते हो लाओ
और 15 सेकंड यह स्थिति होल्ड करें। ध्यान रहे, ऊपर वाले लेग को जमीन से उठने नहीं देना है। लेग एंड बैक के मसल्स को काफी अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। यही स्ट्रेच दूसरी तरफ करें। नंबर 15, सवासन। यह कौन करना नहीं चाहता। जमीन पर सीधे सो जाओ, दोनों हाथ को बॉडी के बाजू में सीधा लेकिन रिलैक्स पोजीशन में रखें। आंखें बंद कर ले और सोना नहीं है, ध्यान पूरे शरीर में होती हुई माइक्रो मूवमेंट पर दे। ध्यान अपनी सांसों पर लगाए और इन सब को धीरे धीरे शांत करें और खुद को एकदम रिलैक्स होता हुआ महसूस करें। धीरे धीरे आंखें खोले और बैठ जाए। तो ये था मिरेकल मॉर्निंग सीरीज का लास्ट वीडियो। अगर आपने पूरी सीरीज नहीं देखी है तो यह 5 वीडियो की मिरेकल मॉर्निंग सीरीज जरूर देखिए, जो आपकी सुबह को और ज़्यादा बेहतर बनाने में आपकी हेल्प करेगी। नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पर मिले इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाइए। फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद एक नई वीडियो के साथ, एक नई सोच के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑन बींग द फिटेस्ट।